जी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इस इंटरव्यू को। सवाल है 14 माफ़ी चाहूँगा, 14 अप्रैल 2022, समय हो गया है 10:12 AM। तो इमरान खान साहब, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, वीडियो अभी कट हुई बीच में, और मैंने साइन कर दिए, क्वेश्चनर मैंने बना के रखे थे आपके लिए, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब, आपने क्रिकेट के अंदर बहुत नाम कमाया, पूरे विश्व भर में आपने भ्रमण किया है, US born lady is your wife, जो मेरी नॉलेज है, then you married to two other women also, and according to nature you are very silent, you always love to be very peacefully and very calm in cricket also, because my age is 44 and you are much and very much senior to me. We also love to watch cricket, but not that much. हाँ ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के टाइम पे ना हम लोगों के साथ क्या होता था कि हार्ट बीट तेज हो जाती थी, आप लोगों पे क्या बीतती होगी ग्राउंड के अंदर, ये तो खैर कहते हैं कि अलमाइटी ही जाने, और क्या प्रेशर होता होगा वाइल यू वर सराउंडिंग विद द लैक्स ऑफ फैंस एंड द प्रेशर एंड द हूटिंग एंड शाउटिंग। उसमें वर्ल्ड कप आप लेके आए पाकिस्तान के लिए, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास क्रिकेट वर्ल्ड कप आना, हालांकि और देशों में विश्व में सबसे बड़ा गेम जो है सॉकर को माना गया है, फुटबॉल को, बट भारत और पाकिस्तान के बीच की प्रतिद्वंदिता क्रिकेट की प्रतिद्वंदिता ने जो है विश्व में सॉकर को भी जो है मतलब बराबर की टक्कर दे दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB, और भारत में जो है BCCI, मतलब भारत के अंदर सबसे पैसे वाले बोर्ड में से एक। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, PCB में वी आर इन डिस्कशन टू परचेज, ICC मैंने परचेज कर ली सर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI जी, भारत में सबसे पैसे वाला बोर्ड पूरे विश्व में, पर BCCI के ऊपर जो है ना जांच की तलवार हमेशा लटकी रही। ऐसा क्यों है कि क्रिकेट के अंदर बताया जाता है कि अवैध पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, सट्टेबाजी, जुआ, सुपरवाइज बैटिंग, किडनैपिंग्स, मर्डर्स, किलिंग्स, इट कम्स विद नेचर of cricket, or it's because of the fame of cricket, it's surrounded by the mafias and powerful money launderers. आपने क्रिकेट में अपने कैरियर में दबाव किस किस प्रकार से महसूस किया? आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब क्रिकेट के अंदर आके आपने कोई गलती कर दी, धमकी, प्रेशर, आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा? इंटरनेशनली जब आप क्रिकेट खेलने गए तो आपको क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, इवन दे आर नॉट ट्रीटिंग यू गुड? सडनली सऊदी अरब की भी टीम एक सुना हमने क्रिकेट में उतरी, कुछ और देशों की भी टीम क्रिकेट में उतरी, ये क्रिकेट की वाहवाही ही है या जस्ट इसमें बहुत बड़े मनी लैंडर्स का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में जाता है? भारत के अंदर IPL, इंडियन प्रीमियर लीग में ललित मोदी का पकड़ा जाना मनी लॉन्ड्रिंग में, क्या ये क्रिकेट की छवि को धक्का नहीं है? कुछ जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटरों का जिहादियों के साथ लिंक,
आपने अपनी छवि को हमेशा से सुधार के रखा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने खुद नोटिस किया आपके ऊपर बड़ा अजीब सा प्रेशर रहा, और आपने इस्तीफा भी दिया। और क्योंकि मैं तो फीड चलाता आया हूँ हमेशा से, मुझे प्रेस रिपोर्टर बनना ज़्यादा अच्छा लगता था। ये मैं आज आपको अपनी बात बता रहा हूँ मन की, बड़ी कोशिश करी बट बिकॉज ऑफ एकेडमिक एंड बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन प्रेशर मैं फिर यूएन रिपोर्टर बना। जी, यूनाइटेड नेशन रिपोर्टर, मैं यू रिपोर्टर हूँ। पैसे की कोई कमी है नहीं वैसे, और ठीक ठाक ही है। पूरे विश्व में, इस्लामिक वर्ल्ड में इमरान खान के आने से कहीं ऐसा तो नहीं कि जिहादी मेंटालिटी के और पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक सोच को धक्का लगा? क्योंकि क्रिकेट जो खेल है ना, ये प्रजातंत्र में तो संभव है, इस्लामिक रिपब्लिक में नहीं। आपको नहीं लगता है कि इस्लामिक रिपब्लिक कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खेल प्रेमियों का दम घोट रहा है? पाकिस्तान के टैलेंट्स के ऊपर एक प्रेशर है कि अगर गानों में अल्लाह शब्द है तो गाने हैं, वरना नहीं है। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का नदारद होना, पाकिस्तान से ऐसे बहुत से टैलेंट हैं जो ट्रैवल करके भारत और दूसरे देश में चले गए। क्या आप अपने आप को इन सभी मोर्चों पे आपने कामयाब पाया, और आपको लगा कि पाकिस्तान में विपक्ष ने जो है सिर्फ अपने पैसे को बचाने के लिए, अपनी माफिया छवि को साफ करने के लिए आपको संसद से उठा के बाहर फेंक दिया? क्योंकि नवाज शरीफ छवि का साफ इंसान तो है नहीं, मैं तो साफ जानता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ सेंट्रल विजिलेंस की कोई 27 फाइलें हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, नवाज शरीफ के खिलाफ। खुद नवाज शरीफ, मतलब नाम शरीफ है, मैंने एक बात कही थी ट्विटर में भी कही थी, तो उसके बाद से सुना नवाज शरीफ परिवार मेरे पीछे पड़ गया था, और बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा था एक जो पाकिस्तान में शरीफ है वो शरीफ नहीं है, और एक भारत में जो सिंह है वो सिंह नहीं है। मतलब कहने का है कि जो पाकिस्तान में शरीफ नाम का व्यक्ति है इज़ नॉट शरीफ। मतलब एक शरीफ शब्द में कैसे आपको डिफाइन करूं, मतलब जो झगड़ा लड़ाई ना करे, गलत काम ना करता हो। और जो भारत में सिंह, मतलब मेरा मनमोहन सिंह की तरफ इशारा था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन बहुत होती रही है, ये कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। नाम में तो मनमोहन सिंह है पर सिंह नहीं है, मतलब सिंह का मतलब शेर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ द्वारा क्या पाकिस्तान को फिर से होस्टेज बनाने की कोशिश की गई? जो व्यक्ति खुद पाकिस्तान में इसलिए नहीं रहता क्योंकि पाकिस्तान में उसको पॉल्यूशन बहुत लगता है, अपने आप को बहुत बड़ा वीवीआईपी समझता है, पाकिस्तान की जनता को वो गरीब और लाचार समझता है, और लंदन जैसे इलाके में जाके रहना पसंद करता है, ऐसा क्यों? जबकि खुद इमरान खान साहब का घर जो है, जो हमें पता लगा था, बहुत साधारण तरह का है। आपने अपने क्रिकेट के सारे पैसे की कमाई से पाकिस्तान का पहला ऐसा हॉस्पिटल खोला जहाँ पे कैंसर का इलाज हो सकता है, आपने अपनी माताजी की याद में, क्योंकि आपकी माताजी का देहांत जो है कैंसर की वजह से हुआ। और विश्व से आपको जो भी अनुदान मिला था, आपने सारा पैसा जो है उस हॉस्पिटल के लिए लगा दिया। और पाकिस्तान के अंदर खुद नवाज शरीफ के भी बताते हैं कि हैं 25 एक लगभग हॉस्पिटल तो उनके भी हैं, बहुत कॉस्टली हैं, सब कुछ है, पर आपके हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद मतलब पाकिस्तान में नंबर गेम में इमरान खान को इस तरह से बाहर जाना, इसको मतलब क्या समझा जाए? क्योंकि हमारे पास एक रिपोर्ट है सर, क्योंकि हम लोग, मैं सर इंटरपोल ऑफिसर भी हूँ 946, मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी सर जिस दिन आपने इस्तीफा दिया है उसके पाँच दिन पहले, और मतलब उसी के बीच में, कि बाजवा इज इन मूड टू प्रेशराइज यू टू रिज़ाइन, अब गन पॉइंट पे आपसे रिज़ाइन कराया गया है। हाँ 100% सर, अब बाजवा मुझे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर इंटरपोल।
कि बाजवा सडनली केम इन टू योर पार्लियामेंट एंड ही ऑन अ गन पॉइंट ही अनाउंस यू टू रिजाइन. इट वॉज अ काउ. इट वॉज यस इट इट्स ट्रू दैट इट्स इन इन फर्स्ट साइट इट्स लुकिंग लाइक एन यू रिजाइंड. बट इंटरपोल रिपोर्ट इज दैट मिस्टर बाजवा फोर्स यू टू रिजाइन ऑन अ गन पॉइंट. Just in sake of hundreds and hundreds of parliamentarians, you resigned. Yes. Why is always happening inside the Pakistan? Why there is no secrecy and other powerful personalities which is not taking responsibility to sack Bajwa? And Parvez Musharraf and other kind of personalities. And it was because the Bajwa is in mood to marry with the Maryam Nawaz Sharif. Yes, it's true. While you honored me to let marry with Maryam Nawaz Sharif and Ravi Pirzada. That's why I heard that that Bajwa is very angry. Yeah, it's true. And Shehbaz Sharif was he allowed to let Qamar Javed Bajwa to marry with Maryam Nawaz Sharif? Why did not he report to Interpol? And why the ISI is not supporting you? I'm Interpol officer, sir. Interpol officer 946. Anyone in entire world can go to ask to Interpol who I am and on what post I am. I'm Interpol officer 946. I'm chief of Interpol, sir. I'm IIG, International Inspector General. Interpol Inspector General, sir. Bajwa forced you to resign on a gunpoint. And he directly said to you inside the parliament and supervised that if you ever try to not to do so, we will shoot down each and every one. While there was so many respectable ladies and other ones also. I want your answer very clearly. Don't worry, we are with you. We will see how much power Bajwa is carrying with him. Now my second question is to you is Pakistan mein char shaktiyan kaam karti hain. Jihadi, Islamic, ISI, Intelligence, Khufiya Agency, Vibhag, Sena, Army aur Neta. Aap ek panchvi shakti khiladi ya kahe khel premiyon ke saath utre. Matlab aap jab politics mein aaye Pakistan mein to you came in the Pakistani politics with totally a different kind of power, and it is the person who loves to be enjoy wants to live freely. They want to enjoy cricket. So, आपने अपने ऊपर क्या और कैसा दबाव महसूस किया? क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटरों के अच्छे प्रदर्शन ना करने पर वहाँ की सेना सुना ड्रेसिंग रूम में घुसकर आप लोगों को दबाव में रखती थी अच्छे प्रदर्शन के लिए. 80 करोड़ की लगभग संपत्ति वाला पहला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, बाकी सब बिलियनर क्लब में मेंबर हैं. आप कब और कैसे पाकिस्तान के दोबारा प्रधानमंत्री पद पर पहुंचेंगे? सुना पाकिस्तानी सेना आपसे बहुत नाराज है. मतलब ये शुरू से रहा है मिस्टर खान कि इन पाकिस्तान एंड इन पाकिस्तानी क्रिकेट वेन एवर द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वॉज नॉट एबल टू शो देयर बेस्ट परफॉर्मेंस और बिकॉज इट्स अ क्रिकेट समटाइम दे शो गुड एंड समटाइम दे डोंट शो गुड. हमने सुना है कि इन ड्रेसिंग रूम में वो आपको मारते पीटते तक थे. यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ ने तो हद ही पार कर दी थी
कई क्रिकेटरों के घर में पाकिस्तानी आर्मी वाले जो है घुस के मारते थे कि भाई आज इंडिया कैसे जीत गया। सडनली ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक ऐसा टाइम भी आया कि इंडियन क्रिकेट ने जो है ऐसा डोमिनेट किया कि लगभग पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम हाशिए पे चली गई। खुद शाहिद अफरीदी जैसा मतलब टैलेंटेड एंड हैंडसम स्मार्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड्स के टॉप क्लास हैंडसम स्मार्ट क्रिकेटरों में से एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे इतना भयंकर दबाव। शोएब अख्तर जैसा क्या कहते हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर, जिसकी बीमर जो है क्या कहते हैं आसानी से रिप्स तक तोड़ दे, वसीम अकरम, आपका टाइम और वसीम अकरम के टाइम पे जो मिलिट्री जनरल्स रहे हैं उन्होंने तो भरपूर दबाव बनाया, पर सडनली जब परवेज मुशर्रफ आया तो बताते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो रीढ़ ही टूट गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने रेजिस्टेंस देनी शुरू कर दी थी कि नो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन इट्स अ क्रिकेट, सम टाइम इंडिया विल विन द मैच एंड सम टाइम वी, एवरी टाइम द एटमोसफियर एंड द नेचर इज नॉट पॉसिबल, सम टाइम इट्स ड्यू टू लैक ऑफ चांसेस। भारत के अंदर आपने जो है मतलब इन साइड द ड्रेसिंग रूम द बोथ क्रिकेट टीम विल एंजॉय टू ईच अदर एंड सम टाइम ऑन अ पिच वी सॉ द वेरी वेरी हीट चलता है, मान ली बात। बट वट इज द रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी टू इज हैंडलिंग द पाकिस्तानी क्रिकेटर एंड कंटिन्यूसली थ्रेटनिंग यू। कमर जावेद बाजवा अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ही इज नथिंग, यस इज नथिंग इन एनीथिंग, बट ही मेंटेन विद द हेल्प ऑफ गफूर एंड आईएसआई टू प्रेशराइज यू टू रिजाइन। नाउ आई वांट टू नो नाउ व्हाट काइंड ऑफ बिकॉज नाउ यू आर इन ऑन अ फील्डिंग साइड एंड बाजवा एंड अदर पर्सन इज ऑन अ पिच, now who is going to be what kind of your first ball to be, because now on the batting side is Mr. Shehbaz Sharif. Now you are in opposition now. Yes, you resigned, but you resigned as a prime minister, you didn't resign as a member of parliament. You are on your seat, and now from the opposition, what will be your first ball to Mr. Shehbaz Sharif? I don't know, suddenly he came in picture and he's highlighting himself as a prime minister of Pakistan while no one is like him. Because Bajwa is in mood to be a president of Pakistan, is it going to happen inside the Pakistan? This is an Interpol intelligence report. Maybe possible that Bajwa will set aside Mr. President. I think his name is Rizvi or something. No? Okay. So what is happening? Why since the 1947 Pakistan is never feel so stable? While the America is a good friend of you, while the Saudi is also supporting you, Mr. Sultan is a king of Saudi. He loves you very much. He loves you like your son, like you as a son. Now my question is another, my third question is to you, is Mr. Khan, Imran Khan ki team ne Pakistan mein apne aap ko kamzor sabit kiya istifa dekar, iske piche Pakistan Muslim League ki horse trading to nahi hai, nahi hai.
कि 40 से ज्यादा सांसद पहले से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इशारे पर आपको हटाना चाहते थे, मतलब खुद आपकी पार्टी के कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो कि अपने अपने माफिया लिंक और अपने ब्लैक मनी और अपने अपने उस जांच को उस रोकना चाह रहे थे जिसको आप सीक्रेटली खोल के बैठ गए थे। मुझे इतना पता है कि आपने आते के साथ पाकिस्तान में धुआंधार बैटिंग करी है। इमरान खान वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एंड बैट्समैन ऑल्सो, बट इंस्टीड ऑफ बोथ ही इज अ बेस्ट कैप्टन बिकॉज ही वॉन द वर्ल्ड कप एंड अ रियली गुड प्राइड फॉर पाकिस्तान। क्योंकि आप नवाज शरीफ के विदेशी खातों और संबंधों की गहन जांच कर रहे थे। मरियम नवाज शरीफ को आपका प्रतिद्वंदी माना जाता है, जबकि अचानक बिलावल भी खेल में उतरा। आपकी सुरक्षा को लेकर 80 से ज्यादा बार चूक हुई है। क्या इसको हम पाकिस्तानी सेना की कमी जाने या पाकिस्तान की कालाबाजारी की ताकत? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक ईमानदार कोशिश की हत्या हुई है। आए दिन अदालत में पेशी लगाने वाली मरियम आपसे मुकाबला करती है, हैरत की बात है। मतलब मरियम नवाज शरीफ खानदान जो है, आए दिन वो पाकिस्तान में अदालतों को तो यार मतलब अदालतों को तो चक्कर काटते रहते हैं, वो आपसे कंपीट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अदालत में आपके खिलाफ कोई ऐसा कोई केस अब तक आया है। यहाँ तक कि सेंट्रल विजिलेंस की जांच की फाइल भी आपके नाम से एक भी नहीं है। जरूर हो सकता है कि कुछ पुरानी क्रिकेट विकेट की कोई कंपनी बना के पैसा ट्रांसफर हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस की जांच ही जो है कम से कम जो है 20,000-30,000 करोड़ से ऊपर शुरू होती है, बाकी जांच के लिए छोटी एजेंसियाँ होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है नवाज शरीफ परिवार, जो कि बहुत भयंकर रूप से पाकिस्तान में अवैध धन के लाने ले जाने के लिए जो है बहुत बदनाम है माफिया लॉबी में, वो फिर से पाकिस्तान में एक शहबाज शरीफ के नाम से जो है सत्ता चलाना चाह रहा है। हालांकि मैंने खुद अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि नवाज शरीफ जो है लंदन के एक होटल में जो है रंगरलियां मलाते हुए पकड़ा गया था। यहाँ यही नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ जी के पिता जो है अवैध मुद्रा छापने के मामले में हमने भारत से एक रिपोर्ट भेजी थी, वो ऑफिसर मैं ही था सर, जिसमें नवाज शरीफ परिवार फंस गया और भारत का अंदाजन 174 लाख करोड़ रुपया जो कि पैसा मेरा था, वो हमने हमारी एक कोशिश थी कि भारत का पैसा कब कहां कैसे रोका जा रहा है। उस जांच में बहुत बुरी तरह ये लोग फंसे और इनको शक ये था कि कहीं ना कहीं इमरान खान जो है मेरी मदद कर रहा है या मेरे और इमरान खान के अच्छे लिंक हैं, जबकि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और मैं भारत में हूँ। तो वैसे तो वी आर एनिमी बट एज एन प्रेस रिपोर्ट आई एम आस्किंग टू यू बिकॉज इन पाकिस्तान इफ एनीवन इज थिंकिंग सो इज अ पावर सेंटर एंड इज फोर्सिंग यू टू रिजाइन ऑन अ गन पॉइंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर अस। आपकी सिक्योरिटी के मामले में कई बार ब्रीच हुई है, ऐसा क्यों? यहां तक कि आप जब एक बार ईरान गए तो वहां पे भी जो है कहते हैं कि आपको सडनली जो है होटल से फटाफट हटाया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या कहते हैं ISIS की टीम आपके पीछे पड़ी थी। पाकिस्तान में एक व्यक्ति है, उसका नाम भी इमरान खान है, क्या आप जानते हैं इस बात को? सेम आपके नाम से वो एक काफ़ी बड़ा मनी लैंडर है, वो आपके नाम से जो है पाकिस्तानी आर्मी और बाकी सबको चला रहा है, क्या आप जानते हैं इसे? हालांकि वी आर इंटरपोल, हम लोग उसी व्यक्ति की तलाश में हैं। ISIS के नए चीफ अबू बकर अल हाशमी का फाइनेंसर है सर वो, कहते हैं वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी आर्मी में है वो, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का जो नया चीफ आया है वो रशिया रूस
कि आर्मी स्पेटनास का स्लिप है, भगोड़ा है वहाँ का, और पाकिस्तानी आर्मी का एक भगोड़ा इमरान खान, खुद आईएसआईएस का चीफ है अब, क्योंकि अबू बकर अल-लाश में मारा गया है। मेरा इशारा आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा आपके मतलब अपने आप को जो है वो आपका भाई बताता है, जो हमने कॉल रिकॉर्डिंग्स ली हैं, बहुत ही मतलब तरीके से उसकी जो है जांच पड़ताल चल रही है। कहते हैं आप आपके असैसिनेशन के लिए उसने पूरी ताकत झोंक रखी है, एक अकेला खिलाड़ी, एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी का प्रेशर, दूसरी तरफ आईएसआई, तीसरी तरफ जिहादी, और चौथी तरफ जो है माफिया और मनी लैंडर्स। और आप जिस समय सत्ता में आए इमरान खान साहब, बड़ी बड़ी अचंभे की बात है, शायद आपको पता नहीं कि 11 जून 2015 को नवाज शरीफ पाकिस्तान का पैसा चंपत करके लेकर उड़ चुका था सर, आपको शायद ये बात पता नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का के द्वारा। आप जब सत्ता में आए आपका कुछ था नहीं वैसे, आपने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करी, या आपके 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 मंत्रालयों ने आपकी सुनी नहीं, या कुछ ऐसा ब्लंडर हो चुका था जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसे का, क्योंकि सेम यहाँ भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नवाज शरीफ को विजिट करता है, 11 जून 2015 को वहां नोटबंदी हुई है पाकिस्तान में, और यहाँ भारत में 8 नवंबर 2016 को सेम दो काम हुए हैं और सेम उसी समय हुए सर। और मिस्टर खान, बिकॉज कागज की करेंसी की वैल्यू गोल्ड होती है सर, अगर इसको अगर आप बदल देते हैं या इसको इलीगल कह देते हैं, डिमोनेटाइज कर देते हैं, तो गोल्ड भी खत्म हो जाता है। मतलब सिंस बिफोर 2015 द एंटायर गोल्ड ऑफ पाकिस्तान बिकेम जीरो, दे लेफ्ट नथिंग इन हैंड, एंड द राइजिंग ऑफ प्राइस हाइक इन पाकिस्तान इज बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ एक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज बाय स्लोली स्लोली पाकिस्तानी रुपया, एंड हेयर इज इंडिया, इंडियन रुपया इज लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी इन एंटायर वर्ल्ड। द सेम एक्ट डिड एयर बाय मिस्टर मोदी, एंड सडनली आफ्टर द ओथ सेरेमनी मिस्टर मोदी विजिटेड टू नवाज शरीफ, इज इट सरप्राइजिंग, इज इट नॉट अ सरप्राइजिंग एक्ट फॉर यू? While the enemy nations, Mr. Modi is always love to shout against Pakistan that सर काटने का बदला हम लेके रहेंगे, मैं खैर वो बात नहीं करूँगा क्योंकि आर्मी टॉक्स हैं, और फिर पोडियम पे आने के बाद पाकिस्तान विजिट करता है, क्योंकि हम तो जानते हैं बहुत अच्छे से, वी आर इंटरपोल, नवाज शरीफ इज अ होल सेल रिस्पॉन्सिबल इन साइड द पाकिस्तान फॉर कलेक्टिंग द VIPs एंड VVIPs unaccountable money from related reason, and he love to transfer it to Britain's Elizabeth account via Switzerland to Elizabeth account. You know Queen Elizabeth is responsible to take bribe for money laundering, you know it, in name of Queen, she is involved, that's why the Mr. Nawaz Sharif always love to visit Britain. We are Interpol, sir. We have file of each and everyone for everyone's. अब मैं आपसे चौथा सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान के इस युवा प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस तक में बुलाकर सम्मानित किया है। पाकिस्तान का आतंकवादी देशों की लिस्ट में आना वहाँ की सेना की नाकामयाबी है या ये तो होना ही है था? ओसामा बिन लादेन का अबोटाबाद में मारा जाना, कंधार हाईजैकिंग के आरोपियों को वहाँ की सेना द्वारा, ओसामा
हाँ, ओसामा बिन लादेन का अबोटाबाद में मारा जाना, कंधार हाईजैकिंग के आरोपियों को वहाँ की सेना द्वारा पना दिया जाना, पाकिस्तान की सेहत के लिए कितना ठीक है। आपने अब तक विश्व भर के 14 सबसे खतरनाक नेताओं, जो कि इंटरपोल के अब तक के इंटरपोल की आतंकवादी लिस्ट में है, से गोपनीय मुलाकात की है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है। क्या नतीजा रहा इसका? पाकिस्तान एनएसजी का छुपा हुआ कमांडो पाकिस्तान को क्या आतंकवाद मुक्त करवा पाएगा? हमारे पास एक रिपोर्ट है कि यू वर्क फॉर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या ये बात बाजवा साहब नहीं समझ पाए? ओसामा बिन लादेन का अबोटाबाद में मारा जाना, बेनजीर भुट्टो की हत्या, हालांकि भारत में भी ऐसा कुछ हुआ है, पर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का पाकिस्तान में मारा जाना, क्या पाकिस्तान की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता? कहां एक तरफ इमरान खान वर्ल्ड कप ला के पाकिस्तान की छवि को सुधारता है, और सडनली परवेज मुशर्रफ और बाजवा जैसे मिलिट्री जनरल्स, जिनके पल्ले कुछ नहीं है सर, ठनठन गोपाल है ये, समझे? खामखा अपने कैमोफ्लाज और 100-200-500 कमांडोज के साथ जो है, हालांकि हम इसको धूल चटा चुके हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसने अपने 9000 स्पेशल कमांडोज भेजे थे भारत में घुसाने के लिए, मोदी के साथ एक एजेंडा तैयार कर रहे थे कि ताकि अचानक भारत पे कुछ ऐसा हमला हो जाए और उसके ऊपर उसमें मोदी पलट के जवाब दे और वो जो है क्या कहते हैं मीडिया में हाईलाइट होकर के एक हीरो के तौर पे उभरे, पर मेरी फोर्सेस ने जो है क्या कहते हैं बड़ा अच्छा जवाब दिया और 9000 पाकिस्तानी कमांडोज को मार गिराया, जिस न्यूज़ को बाजवा को छुपाना पड़ा, उसी की खींच के कारण जो है कहते हैं बाजवा बिलबिलाया घूमता था। पाकिस्तान कब दोबारा आप जैसा सुलझा हुआ शांत व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर देख पाएगा? हालांकि मैं तो आपको कहूंगा कि आप अपने कैंडिडेट अपने प्रधानमंत्री के पद से आपको फोर्सफुल इस्तीफा दिया गया, आप इंटरपोल की रिपोर्ट के तौर पे इसको जो है आप आईसीजे में चैलेंज कर सकते हैं, इंटरपोल विल सपोर्ट यू, वी आर इंटरनेशनल पुलिस, वी बीन अनाउंस टू अरेस्ट मिस्टर बाजवा। नाउ मिस्टर खान, माय फिफ्थ क्वेश्चन इज, इसी में चौथे में एक और बात है, पाकिस्तान अब आतंकवादी देशों की लिस्ट में आ गया, बाजवा साहब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी सुना उनको? क्या आपने अपने मिलिट्री जनरल से यह बात पूछने की कोशिश करी कि बाजवा साहब आपका फेलियर है, पाकिस्तान आतंकवादी देशों की लिस्ट में आ चुका है? मेरा पांचवा सवाल है, अपने दम पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 450 मिलियन $450 की इन्वेस्टमेंट लाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री को गन पॉइंट पे इस्तीफा दिलवा देना, 450 मिलियन $450 कोई मामूली रकम नहीं होती है इमरान खान साहब, इस बात को पाकिस्तानी मीडिया कैसे भूल गई? इस बात के लिए पाकिस्तान के अंदर वहां का विपक्ष आपको क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है? मैं तो कई बार मैंने पाकिस्तानी संसद को देखा है, बुरा मत मानिएगा, मैं जब इनको देखता हूँ तो उनको मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, मैं तो वही है ये लोग, तो मैं तो अच्छे से जानता हूँ नवाज शरीफ और उनके जितनी पूरी टीम है, क्या मैं बिलावल को नहीं जानता? हम मनी लॉन्डरर्स हैं, लोग माफिया से हैं, तो नवाज शरीफ इज अ माफिया।
101%, we know each and everything. Maryam Nawaz Sharif was supported by Queen Elizabeth. While he is just a queen without money. ब्रिटेन का खजाना कब का खाली हो चुका है? मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले नेता वाले को उसके नेता ही नहीं समझ पाए आपके द्वारा, या फिर आपके द्वारा उनको कट नहीं दिया गया क्योंकि प्योर वाइट मनी आई है, $450 मिलियन बैंक पेमेंट है, क्लियर कट, नेशंस की पेमेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक से आई हुई राशि है ये, और विदाउट एनी इंटरेस्ट, विद नो रिटर्न. मतलब $450 मिलियन इज कंप्लीटली योर्स. इट्स वंडरफुल. अमेरिका द्वारा आपकी पीठ थपथपाया जाना, सुना बाजवा जी को पसंद नहीं आया. अपनी छवि को आपने हमेशा से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही रखा. भारत के खिलाफ 11 से ज़्यादा, मतलब कई बार 18 कमांडो कार्रवाई को अंजाम देने वाले को वहाँ की सेना समझ क्यों नहीं पाई? पूरी हमले में SPG द्वारा आपके होने के सबूत मिलते हैं सर. फिर भी पाकिस्तान में सिर्फ 80 करोड़ की संपत्ति कुछ, मतलब इतनी ज़्यादा असर टाइप की नहीं सुनी हमने. अपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो मतलब हमें नहीं पता है. मतलब जानना चाहते हैं. भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार, आपने सडनली जो है पाकिस्तान में पोडियम से भारत की तारीफ करनी शुरू करी, भारत की विदेश नीति. हालांकि ये शिवशंकर वाली विदेश नीति नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका सीधा इशारा मेरी तरफ था क्योंकि ये लोग 2020 में ही सत्ता से बाहर हो चुका है, आप जानते हैं, जांच की वजह से. सुपर इंटेलिजेंस वाले सब जानते हैं कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और नॉट. और फिर भारतीय सेना द्वारा आपको सम्मानित किया जाना, भारतीय सेना की नीति की आपकी आपके द्वारा तारीफ किया जाना, और आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में इंडियन आर्मी के लोग जाते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, इससे बढ़िया कोई नीति हो ही नहीं सकती अगर दोनों देश एक दूसरे की तारीफ करें और हम दोनों मिलके काम करें. पाकिस्तान में एक ऐसा बिजनेस था छुपा हुआ, अब वो था वहां के लाइफ स्टॉक का बिजनेस, जिसमें आपने सीधा हस्तक्षेप करके जो है काउ स्लॉटरिंग को बैन करने की कोशिश करी. क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा आपके पीछे पड़ जाएंगे? हालांकि आपने कुर्बानी में आपने बकरे और इन सब के लिए मना नहीं किया, पर आप काउ स्लॉटरिंग के खिलाफ आपने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी आपकी और आपकी टीम ने. रोड साइड स्लॉटरिंग लगभग पाकिस्तान में बैन हुई और जिसका बाजवा साहब को बड़ा बुरा लगा. मैं तो उस दिन अचंभित हो गया था इंटरपोल की रिपोर्ट पढ़ के कि सर यू नो वाई मिस्टर बाजवा फोर्स मिस्टर इमरान खान टू रिजाइन ऑन अ गन पॉइंट. वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मैरी विद मरियम नवाज शरीफ. ओह कम ऑन यार. Is it so? Yes, sir. Now why? Yeah, because he is showing his power. Okay. And one of the major thing is that $450 million you received from entire world's account. World's account, it was surprisingly, and I was also from those club, from we always love to provide investment for those nation without any interest. Whenever we saw a good and wonderful honest prime minister or a governing body is there. Yes, I am from Super Chamber.
एंड आई एम इन अ सेंट लियोन क्लब। बिकॉज मोर देन 50% साइंड टू योर रिक्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड आई साइंड ऑल्सो, दैट्स वाई आई रिमेंबर्ड योर नेम। So thank you very much, Mr. Khan. I love to hear these all things from your voice also. And be safe. Don't worry if ever you feel so. That insecurity in Pakistan, you can call to Interpol. We are with you, sir. And you can approach to ICJ, instead of Pakistani Supreme Court. Directly approach to ICJ and we will submit intelligence report. Don't worry, sir. Thank you very much.